हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार में स्वागत है, जहां हम बात करते हैं पूजा पाठ से जुड़े ऑल इन टॉपिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महाकाली का श्रृंगार देखने वाले हैं। ये है महाकाली की साड़ी, जो कि पूरी बनारसी है। तो किस तरह से हम इनको पहनाएंगे, वो भी बंगाली स्टाइल आज हम पहनाने वाले हैं। तो पूरे वीडियो पर बने रहें, इंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, ये बंगाली साड़ी हमने खुद रेडी की है घर में, और बंगाली स्टाइल में ही आज हम महाकाली को रेडी करने वाले हैं। तो अगर आपके घर भी कोई विग्रह है और आप भी उनको रेडी करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस तरह से उन्हें वीडियोस देख करके तैयार करें, और रेडी करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे 7705896637 आप वीडियो शेयर करें, और हम आपके वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स, पहले हमने उनके प्लेटों को आगे की तरफ से स्टिच कर दिया है, और ये है प्लेट जो आगे की तरफ पल्ला जाता है। इसको हम सामने से ही निकालेंगे, घुमाने वाले नहीं हैं। जैसे उल्टी साड़ी पहनी जाती है, उल्टा पल्ला वाला, वैसा बिल्कुल नहीं करना। बस आगे से इसको घुमा देना है प्लेट को, और प्रॉपर टिच करके उसको आगे पीछे से ला करके, आगे की तरफ से ला करके उसे पीछे हम टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से हम पीछे भी प्लेटें बनाएंगे, जो उनका पल्ला है उसको हम प्रॉपर इस तरह से प्लेटें बना करके, प्रॉपर इस तरह से हाथों के बीच से घुमा करके, और हम पीछे जा करके बिल्कुल पिन कर देंगे। ये देखिए, प्रॉपर ये बंगाली साड़ी बन गई है। बट फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ी बनी थी, पहला बार मतलब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, आपको पता ही है कैसा होता है। तो जितना बन गया बन गया, अब नेक्स्ट टाइम से काफ़ी ख्याल रख कर बनाएंगे ड्रेसेस, और आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस। तो ये इस तरह से हम प्रॉपर इनको टिच कर देंगे, और अब हम आगे की तरफ से कुछ इस तरह से हम माता की चोली में और आगे प्लेटों को हम टिच करेंगे, मतलब पिनअप कर देंगे, ताकि ये प्लेटें आगे की तरफ से माता की चोली दिखे ना, क्योंकि चोली रेडी करने का टाइम बिल्कुल नहीं था, और इसलिए हमने इनके लहंगे की ही चोली यूज़ कर ली है। वीडियोस में रेड लहंगा भी था और रेड साड़ी भी है, तो सेट हो गया। तो अब इस तरह से हमने टिच कर लिया है, और इस तरह से हम माता की साड़ी की प्लेटों को प्रॉपर सेट करेंगे। आप इस प्लेटों को घुमा करके माता के पीछे वाले हाथ में भी टिच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। बट ये है बंगाली स्टाइल, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये मंदिर में आप कर सकते हो, ये नॉर्मल तरीके से इस तरह। और फ्रेंड्स, साड़ी थोड़ी छोटी हो गई, वरना ये जो पीछे से हाथों में आपने आगे से किया है ना, ये लंबा नीचे तक आता है, इससे काफ़ी प्यारा लगता है लुक। तो अब हम माता को पहनाने वाले हैं लॉन्ग हार, यानी कि रानी हार। बहुत सारे लोग इसको लॉन्ग हार बोलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कमेंट्स आए थे कि इनकी हाइट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये 12 इंचेस के हैं, और आप घर में 12 इंचेस भी रख सकते हो। आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है माँ काली की पूजा का, तो वो वीडियो आप ओपन करके चैनल पे ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपको घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से हम अब माता को कानों में पहनाएंगे, और ये ऑस्टिन डायमंड का है, काफ़ी प्यारा लुक देता है। रियल डायमंड तो नहीं है, लेकिन अमेरिकन डायमंड है ये। तो अब हम हाथों में माता की भी बिंदी लगा देंगे आशीर्वाद वाले में। अब इनकी माथ पे भी हम बिंदी लगा देंगे, मेटल की ही बिंदी लगाएंगे, जिससे कि लुक काफ़ी प्यारा लगता है। और अब हम माता को कंगन पहना देंगे। ये भी ऑस्टिन डायमंड का ही कंगन है, थोड़ा ये कॉस्टली आता है, बट बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। और इस तरह से हम पहना देंगे माता को कंगन भी। और कंगन पहनाने के बाद हम माता को पहनाएंगे कलीरे। जैसे कि बहुत कमेंट आए कि प्लीज़ माता को कलीरे भी पहनाइए, तो कलीरे फ्रेंड आप उसको पहना सकते हैं, जो लटकन होती है लहंगों में या फिर ब्लाउज की चूड़ियों में लगते हैं, आप उसी का कलीरा बना सकते हैं। जो इस तरह आप माता को हाथों में कलीरे भी पहना सकते हैं। नरमुंडों की माला हम नहीं पहनाते हैं घर में, क्योंकि विग्रह है और नरमुंडों की माला बहुत ही रौद्र रूप हो जाता है। आपको सौम्य स्वरूप माता का बनाना है।
और अब हम माता को ये घुंघराले बाल लगाएंगे। अगर इसमें से कुछ भी आपको बाय करना है या ऑर्डर करना है तो हम आपको नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्क्रीन पर भी नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, आप उनसे ऑर्डर करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को आगे की तरफ पूरा सेट कर देंगे बालों के साथ में, कुछ इस तरह इनके पूरे हेयर्स वगैरह प्रॉपर सेट करके फिर हम माता को मांग टीका लगाएंगे। और हेयर्स में हमने पहले से जो इनका मांग है उसमें रेड कलर का कपड़ा लगा करके फेविकोल के थ्रू सिंदूर चिपका दिया है ताकि वो गिरेगा नहीं और मांग में ऐसा लगेगा कि माता की मांग भरी हुई है, क्योंकि माँ काली शिव की अर्धांगिनी है तो इनके मांग में हमेशा सिंदूर होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें जिनके पास भी जिनके पास माँ काली का विग्रह है वो अपनी माँ काली की मांग में हमेशा सिंदूर जरूर लगाएं, क्योंकि वो शिव की अर्धांगिनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।